भारत चीन सीमा की रखवाली अब ऐसे जवान करेंगे जो बिना हथियारों के भी मुकाबला करने में और सक्षम होंगे। गलवान की घटना के बाद से भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने जवानों की ट्रेनिंग पर नए मॉड्यूल शुरू कर दिए हैं और नए मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग आईटीबीपी के कॉम्बैक्ट और नॉन कॉम्बैक्ट जवानों को दी जा रही है। इसमें 20 नई तकनीकें जोड़ी गई हैं। जवानों को जूडो कराटे के अलावा इजरायली मार्शल आर्ट और जापानी ताइक्वांडो सिखाया जाएगा। क्राउ मागा में मुक्केबाजी और कुश्ती के हुनर सिखाए जाएंगे। और आपको बता दें कि इक्विडो को कई दाव पेच लिए, इनमें से इवामा रियो, शिनशिन आइकी, शेरिन आइकी और शोकान आइकुडो, योशिकान और रेन शिनकाई स्टाइल भी शामिल हैं। आईटीबीपी ने पंचकुला के पास अपने करीब 15-20 जवानों को नए मॉड्यूल में तैयार भी कर दिया है। कॉम्बैक्ट जवानों को 44 हफ्ते और नॉन कॉम्बैक्ट के लिए 24 हफ्ते ट्रेनिंग कार्यक्रम में ये बदलाव किए गए हैं।